एनआरएफटी के अंतर्गत शहीद गांव के अरविंद कुमार सिंह ने आवास पर ही नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद का भव्य स्वागत किया है। और साथ ही अरविंद सिंह ने नेत्रम के नीरज शेखर जी एवं उनकी टीम को भी भोजन के व्यवस्था की। अरविंद सिंह ने बताया है कि नीरज शेखर भाजपा के शामिल होकर बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं। उनमें से आए बलिया के लोगों ने उम्मीदों और जंग गई है, और जो कि आज तक पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी यह सपना अधूरा रह गया था, अब इनके नेतृत्व में अब पूरा होगा। हम लोग जानते हैं कि रेल राज्य मंत्री बनेंगे और तब हमारे जनपद बलिया का और रेल का विकास विस्तार रूप से होगा। पिता के आदेश पर समर्पित रहते हुए बलिया का विकास ही मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि दुर्भाग्य भावनाओं से ऊपर उठकर सभी के साथ लेकर एक ही भारत के साथ साथ बलिया का स्वर्ग विकास भी हो, ताकि बलिया के नाम पर पूरे भारत को रोशन हो सके। ये बात भाजपा के युवा सांसद नीरज शेखर जी ने कही है। और मुलायम सिंह के साथ हो रहा है तो इनके साथ होगा तो क्या होगा? उनका जो अखिलेश लड़के हैं जो हम लोग के प्रमुख मंत्री थे भाजपा के, उनका ही चल रहा है, कोई बढ़िया काम हो नहीं रहा है उनसे, सब गलत ही काम हो रहा है। जो अच्छे लोग हैं उनको निकालो और जाति के लोग उनके रहेंगे, यही मतलब है। जिस प्रकार से इन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है, तो क्या चंद्रशेखर जी का सपना ये भाजपा में आकर पूरा कर पाएंगे? इन्होंने भाजपा को भाजपा की सदस्यता लेकर चंद्रशेखर जी का नाम गुवा दिया है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि इनको टिकट देने की भी टिकट नहीं मिला, तो वहाँ लड़की क्या करेंगे? तो ये राज्यसभा सांसद तो विपक्षी पार्टी में समाजवादी पार्टी में भी थे, तो भाजपा में आने का क्या उद्देश्य है? सर, भाजपा में बहुत लंबा कैरियर है और अच्छा सोच विचार सब कुछ है जो भाजपा का है, विकास भी है। तीन सौ सत्तर का किस रूप में देखते हैं? 370 अपने हुआ है देश के लिए, बहुत ही अच्छे हित के लिए हुआ है। अभी तो आपके अखिलेश जी का विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, 370 भी अपने देश के लिए बहुत ही अच्छा है। जी, आप मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल सही बात, गर्व की बात है 370 हटाना। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते थे कि समाजवादी पार्टी। पर्चे बताइए। पर्चे अरुण कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? राम छेड़ी जी। आज कैसा कार्यक्रम था आपके यहाँ? आज हमारे नीरज सर का, सांसद जी का जो एक कार्यक्रम था खाने के लिए, उसको हम आमंत्रित किए थे बुलाने, और खाना वाना हुआ, यही प्रोग्राम था नियर में। जी, जैसे मीडिया के संज्ञान में है इनको, जैसे विनय कुमार सिंह सीताब्दीरा से मैं हूँ। और आज कैसा कार्यक्रम था आप यहाँ, किस जगह पर हैं? छेड़ी में आए हैं, अरुण कुमार सिंह जी हैं। जी जी, अरविंद सिंह उनके मतलब नीरज शेखर जी के मतलब भाजपा में मिलने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किए हैं, और बहुत अच्छा है, भीड़ भाड़ बहुत हुआ, बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत खुशी हैं। ये तो काम पहले ही होना चाहिए कि नीरज शेखर जी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस